नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ। ओ भाई क्या हो गया, ऐसा नजारा देखा है कहीं? हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। यस, मैं आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए जा रहा हूँ और अभी मैं एक्साइटमेंट दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, आसपास लोग बैठे हैं। एमएस धोनी को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं पूरी जर्नी दिखाता हूँ तुमको, लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मैच देखने के लिए। भाई भीड़ देखो, इधर भीड़ यार, रैली निकल रही है तो धोनी की रैली। भाई स्टेडियम दिख गया मार को यहाँ से। तो ये है स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका तो एंट्री जबरदस्त बना रखी है भाई, तो माहौल। अभी एंट्री लेने वाले हैं और समझ नहीं आ रहा कौन से गेट से घुसे। हमारे पास एम की टिकट है लेकिन हमको घुसना है एन के अंदर। इतना ज़्यादा केओस एम है, एम है। ओ भाई और पिच को भी ढक दिया गया है अभी भाई, चारों तरफ से पिच को ढक के जा रहे हैं यार ये लोग। तो हम तो पैसे लगा के मैच देखने आए और ये हमको ऐसे दिखा रहे हैं, ये गलत बात है ना यार। बीसीसीआई हमारे पैसे रिफंड करो वापस। कुछ भी हो जाए मैच स्किप नहीं होना चाहिए, लेकिन ना ओवर्स कम होने चाहिए, ना मैच स्किप होना चाहिए, ना मैच कैंसिल होना चाहिए। भाई बिजली चमक रही है यहाँ पे तो। ओ भाई भयंकर बारिश आ रही है भाई, भयंकर। हमारे ऊपर तो ये हमको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन आगे वालों को ना, वो जो उधर बैठे ना वो सारे लोग ऊपर बैठ के चले गए, मतलब वहाँ से उठ के ऊपर चले गए क्योंकि वो पूरा एरिया गीला हो चुका है। ये बारिश को भी आज ही आना था यार, देख लो तो वो वाला पूरा एरिया खाली हो चुका है। ये लोग कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा मैदान, बारिश को भी रोक सके तो मानेंगे यहाँ पे मैदान है सही में। वो एरिया पूरा खाली हो चुका है भाई, पूरा खाली हो चुका है, सब लोग ऊपर आ रहे हैं। ओ भाई ये तो नहीं उड़ने लग गए यहाँ पे यार, एलईडियाँ उड़ रही हैं यहाँ की, तो एलईडियाँ उड़ रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ फिलहाल। ये जो स्क्रीन देख रहे हो तुम, ये एक्चुअल में स्क्रीन प्रॉपर नहीं है, ये एलईडियाँ हैं जिनको सिस्टम से पूरी तरीके से चलाते हैं क्या ना, ऐसा दिखता है अंदर। बिल्कुल अभी टॉप पर मैं देखो इनकी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, ठीक है, और मैं इसके बिल्कुल टॉप पर खड़ा हूँ फिलहाल। ये जो अपने को टीवी में दिखता है ना, इसके जस्ट पास में खड़ा हूँ फिलहाल मैं। भाई देखो यार इतनी भयंकर बारिश आ रही है, पूरा मूड ही ख़राब कर दिया, गाँव से अलग डील हो गया रेन की वजह से, ग्राउंड पे तो पानी भर गया, पूरी सीटें गीली हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और ये हाल कर दिया बारिश ने उसका। तो यार थोड़ा ऐसा मौसम में चेंज वेंज करना चाहिए ताकि बारिश वारिश नहीं आवे।
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और ये हाल हो रहा है उसका। क्या यार, ओ भाई क्या हो गया, हमारे पास एक बंदा बैठा है जिसने आरसीबी की टी शर्ट पहने हुई है, उसको जाके बोलूंगा आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। अभी तक भी बारिश नहीं रुकी है भाई। भैया कितने की बॉटल, कितने की? 100 रुपए की बॉटल। अभी पॉपकॉर्न वाला आएगा वो बोलेगा 150 रुपए का पॉपकॉर्न। ग्राउंड तो पूरा गीला हो चुका है, यहाँ तो ना प्लेयर खड़ा हो पाएगा, अभी प्लेयर से भागेगा तो स्लिप नहीं हो जाएगा क्या? हेडलाइन बन चुकी पूरी दुनिया में ये IPL 2023 के फाइनल में हुई बारिश, मैच हुआ कैंसिल और विनर घोषित कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। भाई ये लाइट अगर ख़राब हो जाती होंगी तो ये रिपेयर कैसे करती होंगी यार, यहाँ पे तो कोई साधन ही नहीं है। पागल हो गए सब, पागल। मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेन स्टॉप्स। चला रहे क्योंकि बारिश रुक गई है, लेकिन ये वापस आ जाएगी बारिश। वो लोग आ रहे हैं नीचे, वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अभी 7:50 हो रही है, 9:30 तक भी अगर बारिश रुक जाती है तो भी 20 ओवर्स का मैच कंप्लीट होगा। 12:30 तक बारिश होती है, उसके बाद 5 ओवर का मैच होगा। भाई अभी बारिश हो रही है मैं स्टेडियम के अंदर, मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ अपनी स्टेडियम से और यहाँ पे नज़ारा देखो तुम लोग, ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लो तुम लोग। सब कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, सब कीड़े मकोड़े। भाई लोगों देख लो ये स्टेडियम है बाहर, ठीक है, और ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये लाइन लगी हुई है डोमिनोज के पिज़्ज़ा के लिए, और पिज़्ज़े के प्राइस पता नहीं कितनी है, इतना सा पिज़्ज़ा है वो, उसको लेने के लिए इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। तो भाई 2 डोमिनोज के पिज़्ज़ा लिए हैं 600 रुपये के, 300 रुपये का एक पिज़्ज़ा है और अभी मैच स्टार्ट होने वाला, जो कि बारिश हो चुकी है ख़त्म। भाई लाइटें फ्यूज़ हो गई, लाइटें फ्यूज़ हो गई, बारिश देखो आधी लाइटें फ्यूज़ हो गई नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। पीछे का हाल देखो, तूफान चल रहा है, तूफान भयंकर, सब उड़ रहे हैं, LED पैलेटियाँ सब उड़ रही हैं यहाँ पे, अच्छी कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, बरसात आ रही है, LEDs उड़ रही है, सबसे बड़े स्टेडियम पे ये हाल हो रहा है यार। लोग बाग कितना टेटर का बोर्ड उगाड़ के ले गए, देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, मैच कर रहा था पता नहीं यहाँ, पता नहीं देखो कैजुअलिटी भी हो गई है, ऐसा नज़ारा देखा है कहीं पे? इधर स्टेडियम में फुल बारिश आ रही है और सब लोग इधर आ चुके हैं, देखो अपने घर की बालकनी में खड़े होते वैसे लोग बाग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओ भाई स्कीम लेवल सिनेरियो बन चुका है ये, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था हमने किसी ने भी। मैच कैंसिल हो गया लेकिन धोनी क्या खेला ब्रो, हेलीकॉप्टर शॉट माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, इधर मेरे पास ही कैश आ रहा था वो मैंने छोड़ दिया। अरे यार कैसा लगा फिर मैच, फिर तो मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ अगली बार, कैच मैं ले लूंगा अपने पास आएगा, अपने नाम ले लेंगे। अरे मजे, मैच कैसा लगा? मैच बहुत जोरदार, अच्छा मैच कैसा लगा? बहुत जोरदार, कैंसिल हो गया बस। मैच बहुत अच्छा था बस कैंसिल हो गया, लास्ट बहुत जोर गया था। क्या क्लाइमेक्स था मैच का। तो इस दिन तो मैच रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, अगले दिन मैच होने वाला था रिजर्व डे के दिन, और एग्जिट लेते वक्त इस स्टेडियम से एक चीज इतनी वाहियात लगी ना मुझे इस स्टेडियम के बारे में, कहने को तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की जीरो सुविधा है, लिटरली जीरो सुविधा यहाँ पे पार्किंग की, यहाँ पे ऑफिशियल पार्किंग ही नहीं है, जो भी बंदे अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं वो किसी गली कूचों के अंदर पार्क कर रहे हैं, एग्जिट लेने का कोई तरीका ही नहीं, धक्के खाकर के आगे निकल रहे लोग बाग, उसमें लेडीज लड़कियां छोटे बच्चे अंकल आंटी सब एक साथ शामिल हैं और सब धक्के मुक्के के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और देख लो यहाँ पे लोग बाग किस तरीके से जा रहे हैं। क्या सिस्टम है ये यार,
कीचड़ के अंदर से चल के निकलना पड़ रहा है हमारे को, कोई एग्जिट का तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बताओ ये मैनेजमेंट है इन लोगों का, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, सिर्फ मैं बताऊं क्योंकि ये सबने फेस करी है। कोई भी पुलिस वाला इस चीज को रेगुलेट नहीं कराता कि एग्जिट कहां से होगी, कहां से लोग भाग जाएंगे। देयर वाज जीरो कॉप्स ऑन ड्यूटी दैट टाइम। यार चलो ठीक है, बारिश आई, कीचड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कम से कम पार्किंग की फैसिलिटी तो रखो एटलीस्ट। और ये तो कुछ भी नहीं, मेन चीज तो अगले दिन हुई, वो तुमको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर पता पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड ठीक है।